गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति यानी GSSS गोरखालैंड राज्य के एक सूत्रीय कार्यक्रम के लिए काम करने वाली गैर राजनीतिक संस्था GSSS ने आधिकारिक रूप से जिस तरह दार्जिलिंग लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजू बिष्ट को अपना समर्थन दिया, ठीक उसी तरह उत्तर बंगाल के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की बात कही है। गौरतलब है कि गोरखालैंड राज्य आंदोलन के लिए गोरखाली समाज के अलावा उत्तर बंगाल के इन क्षेत्रों से भी हजारों हजार की तादाद में लोगों ने दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन में जमकर भागीदारी की थी। गोरखालैंड राज्य के ठंडे बस्ते में चले जाने के बाद तराई द्वार के लाखों मतदाताओं के सामने तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के मध्य योग्य उम्मीदवार चुनने का संकट आ चुका है। माना जा रहा है कि गोरखालैंड संघर्ष के दौरान गोरखाली समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी करने वाले इन क्षेत्रों के लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा खुलकर सपोर्ट देने के बाद अब भाजपा की तरफ होने में खास दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्तर बंगाल के श्रमिक वर्ग का शोषण जिस तरह से पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के समय हो रहा है, उससे बेहतर उसे भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार को जितवाकर अपनी मांगे केंद्र के हवाले करना बेहतर रहेगा। गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरंजीवी कुमार शर्मा ने वीर गोरखा वेब टीवी से बात करते हुए बताया कि पहाड़ के अलावा तराई द्वार और मैदानी इलाकों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर गोरखालैंड आंदोलन को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई थी, इसलिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने आगे कहा कि गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति का सदैव से मानना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर काम कर सकती है, जिसके चलते यहाँ के गरीब तबकों को समुचित न्याय मिल सकता है। जिन्होंने गोरखालैंड को जमकर समर्थन दिया था, इसी कारण गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। नमस्कार, आज वीर गोरखा वेब टीवी के साथ जुड़ चुके हैं गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरंजीवी कुमार शर्मा, जो कि द्वार से आते हैं और द्वार गोरखाली वोटर्स की भी तादाद वहां पे काफी है। उसके अलावा GSSS काफी कुछ वहां पे मैदानी काम कर चुकी है, जिसके चलते कई आदिवासी और अन्य वोटर्स उनके लिए काफी कुछ करने को तैयार है। आइए जानते हैं सीके शर्मा जी से। सीके शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सीके जी, आप ये बताइए सबसे पहले GSSS तराई के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और आपके अलीपुर द्वार यहाँ पे क्या नजरें रख रही है और उनका सपोर्ट समर्थन क्या होगा? देखिए, बीजेपी GSSS का स्टैंड ये है कि हमारा जो डुअर्स एरिया है, यहाँ पर चार से दो बारला खड़े हैं और अपना तराई, ये कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जो एरिया है, दोनों में, तीनों में हम बीजेपी को फुल समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि देश के विकास के लिए और टी गार्डन के एरिया के लिए, गोरखाओं के लिए और आदिवासियों के लिए बीजेपी अच्छा काम करेगी, उन्होंने आश्वासन। और जहाँ तक GSSS का सवाल है, हम दिवस में फुल सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी कितना वहां पे प्रभाव रखती है और GSSS यदि उनको सपोर्ट देती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, GSSS के सपोर्ट से काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से इस बार कूचबिहार सीट में और आपको जलपाईगुड़ी सीट में और डुअर सीट में जीतने की काफी संभावना है, तीनों सीट को जीतने की संभावना है। जैसे कि माना जाता है तराई क्षेत्र में आप जिस परिवार से आते हो, लंबा उनका काफी काम रहा है, वहां पे राजनीति में रहे, समाज सेवा में रहे, तो वहां की जनता क्या चाहती है, इस बार बदलाव देखना चाहती है या वो किन किन मुद्दों पे जाना चाहेगी? देखिए, बदलाव तो जनता जरूर देखना चाह रही है काफी दिनों से, क्योंकि जिस तरह से बंगाल गवर्नमेंट का जो तानाशाही
रूल चल रहा है, जो इससे काफी चाय बागानों में भी काफी लेबरों को काफी दिक्कत है और बहुत सारे चाय बागान बंद भी हो चुके हैं, खुलवाने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और इसको देखते हुए सारे जनता, जितने भी टी गार्डन एरिया के लोग हैं या फिर विलेज के लोग हैं, सारे परिवर्तन चाहते हैं। इनसे भी मैं कई लोगों से मैं आज पिछले 15-20 दिन से यहीं पर घूम रहा हूँ, डुवर्स जलपाईगुड़ी और कुचबिहार एरिया में घूम रहा हूँ, और यही मुझे अभी तक अध्ययन हुआ है कि लोग यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं। जी ट्रिपल एस के पदाधिकारी होने के नाते आपने इन क्षेत्रों से जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी है उनसे गोरखाली मुद्दों और वहां पे रहने वाले अन्य जो आदिवासी है, गैर गोरखा जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बारे में कोई एजेंडा सेट किया या उनसे कुछ इस तरह की चर्चा हो रही आपकी? अभी एजेंडा तो हमारा यही है कि यहाँ डुवर्स के लोगों में और जलपाईगुड़ी के लोगों में किस तरह से अच्छा व्यवस्था किया जाए, किस तरह से टी गार्डन खोला जाए, कैसे जो बंद टी गार्डन को ओपन किया जाए, और किस तरह से यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ आप देखिए ना, जो गवर्नमेंट ने ये 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस स्कीम बनाया था उसको तक ममता गवर्नमेंट के थ्रू इसको लोगों तक नहीं पहुंचाने के लिए डाक से ही उसको वापस भेजा जा रहा है। लोगों को अगर डाक ऑफिस में जाकर लेना चाहते हैं उनको मारपीट किया जा रहा है। तो ये काफी इस तरह की काफी प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्योंकि अगला सवाल आपसे पूछते हैं, चूंकि गोरखाली समाज जो कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में गोरखाली समाज के लिए वीर गोरखा वेब टीवी लंबे समय से काम करते आई है, गोरखाली समाज को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यदि वह सपोर्ट करते हैं तो क्या फायदा उनसे मिलेगा? देखिए, पूरे देश में भाजपा का सरकार है, बंगाल में भाजपा का सरकार नहीं है। जो भाजपा सरकार जिस चीज को जो कर रही है, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, वो 100% काम यहाँ वेस्ट बंगाल में नहीं कर पा रही है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक समुदाय की बात ना करके अगर इसे जनरल बात करें तो वो सुविधा सबको मिलना चाहिए। अगर वो सुविधा सबको मिल रहा है तो हमारे समुदाय को भी वो सुविधा मिलेगा। जी ट्रिपल एस की तरफ से यदि सभी प्रत्याशियों से मिले होंगे तो गोरखाली हितों के लिए उनका नजरिया क्या है, ये जानना चाहेंगे हमारी गोरखाली कम्युनिटी। गोरखालियों के हितों के लिए किन का नजरिया आप बोल रहे हैं? लोकसभा में जो प्रत्याशी है, अलीपुर द्वार की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, या बात करें हम कुछ बिहार की, यहाँ जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी है उनसे यदि आप जी ट्रिपल एस की तरफ से मिले हो और अपना समर्थन देने की बात करते हो तो इसका लाभ गोरखा समाज को उनके नजरिए से क्या होगा? देखिए, इनका लाभ एक पर्टिकुलर सिर्फ गोरखा समाज की बात ना करें हम, इसका लाभ एज अ होल सारे समुदाय को होगा। हमारा समर्थन इसीलिए है कि हम बीजेपी को जिताए और बीजेपी को जिताएंगे तो गोरखाओं को भी गोरखाओं को भी फायदा मिलेगा, बाकी लोगों को फायदा मिलेगा तो गोरखाओं को भी फायदा मिलेगा। और बीजेपी ने अभी आश्वासन ये दिया हुआ है कि अभी जो एनआरसी जो लगाने की बात चल रही है, एनआरसी पे गोरखाओं को अलग रखा जा रहा है, एनआरसी में गोरखा नहीं है। और बाकी टीएमसी के लोग काफी धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काफी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनआरसी लगने पे गोरखाओं को निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो सिलीगुड़ी में उनका भाषण था, उन्होंने मंच से बताया कि गोरखाओं को, गोरखा भाइयों को कुछ दिक्कत नहीं होगा अगर एनआरसी लागू होता भी है। तो जहां तक प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया उसके बाद तो ये गोरखाओं के लिए हित का ही होगा ना, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आता है तो। गोरखाली संयुक्त संघर्ष समिति जो काफी काम कर चुकी है, जो आपके तराई के इलाके जलपाईगुड़ी में भी आप लोगों का अच्छा बेस है, उसके अलावा कूच बिहार के सीमावर्ती इलाकों में काफी आप अच्छा पेट रखते हो, जी ट्रिपल एस ने आखिर क्यों ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वह सपोर्ट दे रहे हैं? तो मैंने आपको ये बताया, पहले भी बताया कि अगर पूरे समाज की भलाई होती है तो उसके साथ हमारी भी भलाई होगी ना, हमारी समाज की भलाई होगी। अभी तो हमारे समाज को देखिए ना आप, जो बीजेपी में है या फिर जो
एक गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको ममता बनर्जी किसी न किसी केस को करके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं या जबरदस्ती टीएमसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज को रोकने के लिए हमें किसी एक पार्टी को सपोर्ट करके, बीजेपी को सपोर्ट करके, नेशनल पार्टी को सपोर्ट करके इस जगह पे एक स्टेबल गवर्नमेंट लाना चाहिए और हमें भी समाज के साथ हमारे समुदाय को भी फायदा मिलेगा। आप हमारे साथ समाज से अलग तो नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े सी के शर्मा जी, जी ट्रिपल एस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। हालांकि गोरखा समाज के साथ साथ आदिवासी और अन्य तबकों का भी विकास देखने का एजेंडा जी ट्रिपल एस के माध्यम से श्री के शर्मा जी ने हमारे समक्ष रखा, और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जी ट्रिपल एस का यदि सपोर्ट मिलता है तो संभवतः और एक उनको एक अच्छा खासा वहां पे गेन करने का मौका भी रहेगा। सी के शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।